हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एड्स। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। इसका मतलब है इट्स मीन इट डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग नहीं रहता है, ठीक है, जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता है और उसमें इजिली कोई भी डिजीज एंटर कर जाती है तो उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द इम्यून डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम। सिंड्रोम इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जैसे हमें कोई फीवर आता है तो फीवर आने से पहले हेडेक होता है, किसी की कमर में दर्द होता है या किसी को मतलब थोड़ा सा नॉर्मल फील नहीं होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से सिंड्रोम का मतलब है कि सिम्टम्स की कोई बीमारी होने वाली है और उसकी पहले से फीलिंग जो होने लगती है, दैट इज फॉर द सिम्टम्स। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। ये सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था? 1981 में। इन द लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है, एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स ये। और अब इसका ये है प्रॉब्लम कि ये स्प्रेड हो गया है, अब ये सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुकी है डिजीज, और इसने एटलीस्ट मोर देन 25 मिलियन persons has been killed, ठीक है, इतने ज्यादा लोग इससे मर चुके हैं। इसके बाद में है एड्स होता कैसे है बच्चों, ठीक है, एड्स होता कैसे है? इट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? HIV, ठीक है। ये HIV क्या है बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये मेंबर है, इट इज अ मेंबर of a group of viruses. It is a member of a group of viruses called retrovirus. Retrovirus. इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आता है नीट के एग्जाम में कि जो एड्स डिजीज है वो जो वायरस है, ह्यूमन HIV वायरस है, वो किस कौन से वायरस का मेंबर है? तो वो किसका है? रेट्रो वायरस का, ठीक है। इसके बाद में है जिसमें कौन सा जीनोम होता है? जीनोम इसमें कौन सा जीनोम होता है? उसमें होता है आरएनए।
उसमें आरएनए जीनोम होता है। इसके बाद में है, अब ये किस तरीके से जो एड्स है वो डिजीज किस तरीके से स्प्रेड होती है, ठीक है, ये डिजीज जो है वो कैसे स्प्रेड होती है। फर्स्ट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अगर किसी पर्सन को ये डिजीज है और उससे दूसरा पर्सन सेक्सुअली कॉन्टेक्टेड है तो ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। सेकेंड है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे किसी पर अब क्या है, जैसे ब्लड देने जाते हैं, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड चेक होता है कि कहीं कोई पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो अगर कोई पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड है और अगर वही ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो वो पर्सन भी एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। थर्ड है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स as in the case of intravenous drug abusers. इंजेक्शन लगाते हैं तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इंजेक्शन लगाया और सेम नीडल जो है किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर इंजेक्ट करते हैं तो उसको भी एड्स होने के चांसेस है। इसके बाद में है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, थ्रू प्लेसेंटा। ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। कोई प्रेग्नेंट मदर है तो प्रेग्नेंट मदर का जो फीटस होता है, फीटस में जो फूड जाता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, ठीक है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेंट को भी एड्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो लोग जो है हाई रिस्क पे हैं वायरस से, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक चार्ट समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये है रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस जो है ये एंटर करता है बॉडी के अंदर और फिर ये वायरस जो है इसने इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल को, ठीक है। दिस वायरस एंटर्ड इनटू द बॉडी एंड इट विल इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करेगा? नॉर्मल सेल। जैसे ही नॉर्मल सेल को ये इन्फेक्ट करेगा, ये जो दिखाया हुआ है ये एनिमल पार्ट दिखाएगा, ठीक है। और उसके अंदर वायरस आने ने ये सेल के अंदर एंटर कर लिया, एनिमल सेल के अंदर, और फिर वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसपोर्टर
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर आरएनए से अब क्या बन गया, डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, वायरल डीएनए प्रोड्यूस हुआ। आरएनए बॉडी को, आरएनए ने बॉडी को इन्फेक्ट किया और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इससे प्रोड्यूस हुआ डीएनए प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, डीएनए प्रोड्यूस होने के बाद में अब मैं इसे आगे का बता रही हूँ। ये जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ, ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है इन्फेक्ट करेगा वायरल डीएनए जो है इसमें जाएगा, इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। ठीक है, ये एंटर कर जाएगा होस्ट के जीनोम में। होस्ट मान लो हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये हमारे न्यूक्लिक एसिड में एंटर कर जाएगा होस्ट जीनोम में। ठीक है, ये क्या दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, हमारी सेल का न्यूक्लियस है। और ये उसका क्या है, ये उसका डीएनए है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज डीएनए। ठीक है, और ये जो वायरल डीएनए है ये एंटर कर गया हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और फिर इससे क्या बना, इससे बना न्यू वायरल आरएनए। ठीक है, देखो पहले एंटर किया था आरएनए, आरएनए से बना डीएनए, डीएनए ने अफेक्ट किया हमारी सेल के न्यूक्लियस को। ठीक है, और उसको डीएनए से फिर से वापस से क्या बन रहा है, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, क्या बन गया, इससे बन गया आरएनए। इसके बाद में ये आरएनए जो है, ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए से न्यू आरएनए प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, नए आरएनए प्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर ये जो आरएनए है ये भी नई सेल को अफेक्ट करेगा, ये आरएनए नई सेल को अफेक्ट करेगा, ये आरएनए नई सेल को अफेक्ट करेगा, फिर इससे डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, फिर डीएनए बनेगा और वो डीएनए फिर से हमारे न्यूक्लियस पे अफेक्ट करेंगे और फिर उनसे फिर आरएनए बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये वाला वायरस जो है इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो इस ये क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रो वायरस। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रो वायरस, ये था सारा चार्ट। इसके बाद में है देखो बच्चों, एक ये मिथ है, इसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी हुई हैं कि लोग कहते हैं कि अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव है वो, तो उसको टच करने से हो जाता है, जबकि एचआईवी एड्स ये ना तो टच से होता है। ठीक है, ना तो टच से होता है, ना ही फिजिकल कॉन्टेक्ट से होता है। ठीक है, सेक्सुअली अगर कॉन्टेक्ट है देन कैन बी स्प्रेड। ठीक है, बट टचिंग से ये नहीं होता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अगर सोसाइटी में या हमारी फैमिली में किसी को एड्स है, तो हमें उसको मोरल सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, बच्चों अब मैं बता रही हूं, जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये इट विल अफेक्ट टू अवर मैक्रोफेज। ठीक है, ये भी हमारे बॉडी के टिश्यू है, जो उसके अंदर ये एंटर करता है, जहां पे
आरएनए जीनोम जो है, आरएनए जीनोम वायरस का है, वो क्या बताता है, रेप्लिकेट करके बनाता है वायरल, वायरल डीएनए बनाता है, किसकी किसकी हेल्प से, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो मैक्रोफेज पे आरएनए अफेक्ट करता है और वो बनाता है वायरल डीएनए, किसकी प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट सेल के डीएनए में। मैंने चार्ट से समझाया था, होस्ट के डीएनए में एंटर कर जाता है, ठीक है, और उससे क्या बना लेता है, उससे काफी सारे होस्ट के डीएनए में एंटर करके वायरस बना लेता है, फिर उस वायरस से और भी सारे वायरस बन जाते हैं, फिर वो सारे वायरस बॉडी की सेल के सेल को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है, ठीक है, इसमें पूरी बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर कर जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो है नीट का क्वेश्चन है, ये एचआईवी एंटर, एचआईवी जो एंटर करता है वो करता है हेल्पर टी लिम्फो लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स में एंटर करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में करता है, और इसके बाद में वहां पे ये रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करके ये और भी वायरस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और भी ज्यादा वायरस को प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से वायरस की प्रोजेनी बॉडी के अंदर बन जाती है। ये वायरस प्रोजेनी जो है ये अफेक्ट करती है टी और दूसरी टी लिम्फोसाइट सेल्स को, टी लिम्फोसाइट सेल्स को अटैक करती है, और इससे क्या होता है, जब बार बार टी लिम्फोसाइट सेल को अटैक करती है तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट सेल जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। और जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वही क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और ये जो वायरस है ये अफेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट सेल पे, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इससे क्या होता है कि फिर बॉडी में फीवर डायरिया वेट लॉस, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों जब जैसे जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है और दूसरी बीमारियां भी बॉडी में लगनी शुरू हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया, फिर वायरसेस, दूसरे वायरसेस, फंगी, ठीक है, फंगल इफेक्ट एंड अदर पैरासाइट, जैसे दूसरा पैरासाइट क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, ये सारे के सारे बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर पर्सन जो है इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, एंड वो अपने आप को, अगर कोई इसको इन्फेक्शन है, जब कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बट एड्स की वजह से जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो और दूसरी डिजीज होने शुरू हो जाती है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है एलाइजा, ठीक है, एलाइजा इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो यूज की जाती है। इसमें एड्स का ट्रीटमेंट होता है विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। किसके थ्रू होता है? एंटी रेट्रो वायरल, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब अफेक्ट पार्शियली अफेक्ट करती है, कंप्लीटली अफेक्ट नहीं होती है। और देखो बच्चों, अब हमारा है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ठीक है, तो मैं आपको ये बुक से ही बता देती हूँ। देखो, एड्स हैज नो क्योर, इसका क्योर नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू। HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इट इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स इनडायरेक्टली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। ठीक है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। ठीक है, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट मदर है तो उसके बेबी को, अगर कोई बेबी को एड्स होने से बचाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी सी मॉनिटरिंग करके और कोई इंटेलिजेंट डॉक्टर हो तो वो उसको बचा सकता है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, हमें अगर कोई ऐसा है जिसको एड्स है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हमारी कंट्री में NACU की फुल फॉर्म आप लर्न कर लेना, एंड अदर नॉन NGO हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। WHO हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम, उसने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV। ठीक है, एंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजिबल। अब तो ये है कि सिर्फ एक जो है निडल जो है, एक इंजेक्शन जो एक को लगाया जाएगा वो दूसरे को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और सीरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्डम भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए, ताकि अगर कोई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट हो तो ये वायरस दूसरे को इन्फेक्ट ना करे। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप करना चाहिए, और ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। नीड हेल्प ए सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट आउट फॉर सोसाइटी, ऐसे लोगों को सिंपैथी रखना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। और ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सबको मिलकर सॉल्व करना है, और ये इस टाइप के पेशेंट जो होते हैं उन लोगों को बहुत ही पोलाइटली तरीके से बिहेव करना चाहिए। थैंक यू।